बाहरी उत्तरी दिल्ली नरेला विधानसभा क्षेत्र गांव भोरगढ़ में डीडीए पार्क के बिगड़े हालात। बाबू जगजीवन राम कॉलोनी के पास बने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए पार्क भोरगढ़ की दयनीय हालत देखकर लगता ही नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क में टहल रहे हैं। चारों तरफ गंदगी के अंबार। एक साल पहले बनी पार्क की दीवार जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी आज खुद दीवार सुरक्षा मांग रही है। साइन बोर्ड की प्लेट गायब है, सरकारी ओपन जिम की मशीनें गायब है, पार्क से घास गायब है, वहीं पार्क में बना वॉक वे गायब है। महिलाओं का कहना, गर्मी में 4:30 बजे सुबह पार्क का मेन गेट खुल जाना चाहिए लेकिन 5:30 बजे चौकीदार गेट खोलता है, जिस कारण कुछ जल्दी काम से जाने वाले नागरिक पार्क का लाभ नहीं ले पाते। उद्यान विभाग की अनदेखी और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की मुंह बोलती तस्वीर सामने है। देखे पार्क के हालात, यहाँ सारे झूले टूटे हुए हैं, कोई भी झूला सही नहीं है और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी, पहले इतने अच्छे झूले थे, ना टहल लग रही है ना कुछ है, सारी ईंटें वीटे सब टूटी पड़ी है। जहाँ से दोबारा करते हैं तो दोबारा वहीं ईंट दोबारा लगा देते हैं, जहाँ मर्जी से रास्ता है ना, तो यहाँ पानी देते हैं ना, यहाँ फूल है ना कुछ है, ना कुछ हरियाली है, कोई पार्क कोई ना, ये तो एक जंगल खाना है। एक भी झूला ठीक नहीं है, एक दो है उसको कोई भी सही नहीं करवा सकता, कोई भी कैसी हो रहा है। झूले झूलने के लिए सब है, गार्ड भी ऐसे है, 5 बजे नहीं खोलते, 5:45 बजे गेट खोलते हैं, ये मतलब कोई ना। पार्क की जगह पार्क नहीं है, यहाँ धूल भी उड़ रही है, यहाँ सफाई भी नहीं है, किसी कारण बताओ कौन कह देगा ये पार्क है। यहाँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, यहाँ इस चीज़ का कोई वो बीमारी ख़त्म करने के लिए आते हैं, यहाँ तो सारे झूले उले सब टूटे पड़े हैं, 1 घंटे उल्टे बीमार हो जाएंगे। झूले टूट रहे हैं कई, बहुत दिनों से बनवा नहीं रहे, और तो बहुत परेशानी है, फैला रखे हैं यहाँ, यहाँ पे मिट्टी के घास की जगह मिट्टी है, मतलब कि साफ सफाई तो कती ही नहीं। मान लो आप रोज आते हैं, क्या परेशानी आती है आप लोगों को? थोड़ी झूले सही से नहीं है, एक्सरसाइज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और कुछ नहीं, हालांकि सब टूट टूट गई है, इसको कोई सही नहीं करवा रहे। आप ये देख रहे हैं हम मशीनें, अभी हमने पहले बाकनेर का दिखाया था आपको, भोरगढ़ का हम दिखा रहे हैं। ये सभी सांसद निधि से बने हुए पार्क हैं, और इन पार्कों के अंदर जो ये व्यायामशालाएँ खोली गई हैं, ये जिम जो खोले हैं ये सरकारी जिम है, और इनकी मशीनें सभी गायब हो चुकी हैं, इनके जो पार्ट हैं मशीनों के सभी जो है गायब हो चुके हैं। आप ये देखिए सिंगल पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट को जो है चोर ले जा चुके हैं उखाड़ के, और यहाँ नीचे जितने भी टाइल्स हैं यहाँ कोई टाइल्स नहीं है, और पार्क की जगह पार्क नहीं है, गंदगी चारों तरफ है, अंबार लगे हुए गंदगी के, सब जगह जो है मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है, जबकि इसके ऊपर करोड़ों का बजट हर साल पास कर दिया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है ये सोचने वाली बात है। यहाँ लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं, जैसे अभी बताया था कुछ नौजवानों ने, महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं हम, ना ही कि अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए। अब ये देखिए ये है रखरखाव, अब ये देखिए पेड़, ये पेड़ गिनती में लेकर इसके ऊपर पता नहीं कितना खर्च दिखाया जा रहा होगा। ये देखिए ये पेड़ टूट जाते हैं, यानी इसके अंदर चौकीदार यहाँ ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से पेड़ों को भी तोड़ दिया जाता है, और हर जगह गंदगी ही गंदगी है, शायद सफाई करने वाला कोई नहीं आता है। नाम आपका? मेरा नाम शानसा है। कहाँ के रहने वाले? ये सरकारी जिम है, यहाँ सारी टूटी हुई है, यहाँ जितने सड़क है पार्क में सारी टूटी हुई है, सारे घास वास सूखे पड़े हैं, ना यहाँ कोई व्यवस्था, में आते हैं सुबह शांति के लिए, यहाँ पर सब धूल वूल उठती रहती है, यहाँ पर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, पानी डालने के लिए कोई नहीं है पेड़ पौधों में, और आप देख ही सकते हो हालत कैसे हो रही है। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, गंभीर बोलने के लिए नहीं आते, और बाकी आप देख ही सकते हो पार्क का क्या हाल है। क्या नाम आपका? विनय नाम है जी। कहाँ से आते हैं हम? भोरगढ़ से। रोज आते हैं? हाँ रोज डेली आते हैं। तो यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं ये ठीक है? ये खराब है। खराब है? हाँ, कितना सही है कितना खराब है, मतलब एक दो ही ठीक है? हाँ जी, दिक्कत यही है कि उसका गली रोड है जो सही नहीं है, गली का घास हरी नहीं है, सूखी है, बिल्कुल मरी पड़ी है, धूल उड़ रही है जी।
तो ऐसे में स्वास्थ्य बनता है बिगड़ता है? नहीं बनता जी। नाम सुरेंद्र मेहरा है। यहाँ पे हमारे पार्क में ये दो मशीनें लगी हुई हैं, ये टूटी हुई है, कृपया करके इन्हें दोबारा से रिपेयर करवाए या नहीं लगवाए। अब जिस तरह से यहाँ लोग जो यहाँ पर रोज निवासी आते हैं घूमने टहलने के लिए और पार्कों में अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और मशीनें यहाँ पे टूटी हुई हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य बनेगा नहीं बिगड़ेगा।
यहाँ से देखिए, यहाँ तो बोर्ड ही गायब कर दिए गए हैं, कि इस पर क्या कुछ लिखा था वो सभी गायब कर दिए गए हैं।